देख लीजिए, इससे पावर ऑन होगा, ठीक है, पावर ऑन इसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंग्लिश एंड हिंदी, कोई सा भी आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। इसको घुमाइएगा ये वाले को, तो ये देखिए हिंदी में आ गया, इंग्लिश में आ गया, हम इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट का है, सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश में ही सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया, ठीक ना। अब हम इस बटन को इस तरह से वेलकम आया लिखा हुआ, ठीक है, फिर टच करेंगे, अब आ गया यहाँ पे कॉटन। कॉटन में देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1 घंटा 27 मिनट, कॉटन कपड़ा है तो आप धो सकते हैं, ठीक है, कॉटन कपड़ा के लिए। अब इससे सारा जिधर जिधर इधर भी घुमाइएगा, इधर भी घुमाइएगा, दोनों साइड घूमता है, इधर भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना, कॉटन जैसे कॉटन कपड़ा अगर धोना है तो कॉटन में रखना है, क्विक वॉश, कम टाइमिंग में, कम गंदा कपड़ा, 15 मिनट में धो देगा आपका। ये सुपर इको वॉश हो गया, प्लास्टिक वाला जो कपड़ा होता है, रबड़ जिसमें रहता है, तो वो कपड़ा आप इसमें धो सकते हैं, वो रबड़ नहीं ख़राब होगा आपका। ई कॉटन कपड़ा हो गया, उसमें भी धो सकते हैं, ऑप्टिमल का जो रहता है, ठीक है। सिंथेटिक्स कपड़ा, प्लेस्टर, नैलून लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप वो भी धो सकते हैं। जेंटल फुल, डेलीकेट, जेंटल फुल, इसमें देखिए पार्टी वेयर कपड़ा होता है, ठीक है, टॉवल्स वगैरह धो सकते हैं, बेडिंग है, बेडशीट, चादर वगैरह धो सकते हैं, शर्ट है, शर्ट भी धो सकते हैं, 30 मिनट से आपका टाइम ले रहा है। हाइजीन स्ट्रिप कपड़ा हो गया, सैनिटाइज, कॉटन एंड लाइनन, इसमें आप धो सकते हैं। वुलन कपड़ा हो गया, ठंड के मौसम का, विंटर के मौसम का वुलन कपड़ा है, उसको धो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 53 मिनट्स ले रहा है इसमें। आउटडोर कपड़ा हो गया, ठीक है, आउटडोर कपड़ा भी धो सकते हैं आप। एक्टिव वेयर कपड़ा, यूज नेचुरल डिटर्जेंट, इसमें डिटर्जेंट ही यूज करना है एक्टिव वेयर, ठीक है, मतलब आप एक्टिव वेयर में हुआ ना कि जैसे आप बाहर में फुला उला लिए हैं या फिर हाथ से रगड़ लिए हैं, आप एक्टिव वेयर में धो सकते हैं, ठीक है। कलर्स कपड़ा हो गया, जीन्स वगैरह धो सकते हैं, बेबी केयर, घर बच्चों लोग का कपड़ा, साइलेंट वॉश, साइलेंट चलेगा, डेली ज़्यादा आपको यही यूज करना है, डेली का जितना कपड़ा है इसी में धोना है आपको, ठीक है, डेली वॉश में ज़्यादा कोई सीज का यूज करना है, 1 घंटा 6 मिनट चलेगा, जितना भी मिक्स कपड़ा आप इसमें डाल दीजिए, ऑटो वॉश करेगा, जींस करेगा, स्पिन करेगा, सारा कुछ कर देगा, ठीक है। यानी कि इतना चॉइस करने के बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्टार्ट का बना हुआ है ना, इसको कुछ सेकंड पुश करके रखिएगा तभी ये स्टार्ट लेगा, टच करके रखिएगा 2 सेकंड 3 सेकंड तो ये स्टार्ट ले लेगा, खाली ऐसे टच कीजिएगा तो नहीं स्टार्ट लेगा, ऐसे टच कीजिएगा तो नहीं होगा, तो टच करके रखिएगा तभी स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर टच करेंगे तो पुश हो जाएगा, टेस्टर हो गया मतलब कुछ नहीं करना है, वो चल रहा है, हाँ अभी पुश हो गया मतलब रुक गया, यहाँ पे देखिए पॉप्स लिख रहा है ना, पॉप्स लिख रहा है ना, ये रुक गया, ठीक है। ये आपका डिटर्जेंट डालने का, आप डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं, ये लिक्विड इधर भी डालने का, कंफर्ट वगैरह, शॉर्पनर वगैरह है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अंदाज से डालना है, कपड़े के हिसाब से डालना है, जितना डालिएगा सारा ले लेगा वो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पकड़ के डोर खोलना है, यहाँ पे पकड़ना है ऐसे, उसके बाद ऐसे खोलना है, अंदर कपड़ा को डाल लेना, ठीक है, अंदर कपड़ा डालने के बाद जो सा भी प्रोग्राम है आपको चॉइस करना है, फिर स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। डेली वॉश के बाद फिर आपका है क्वालिटी डे कपड़ा, ठीक है, ये आपका 1 आवर 48 मिनट चलेगा, ठीक है,
रिंस एंड स्पिन, यानी कि बाहर से धोया हुआ कपड़ा को फंगारना सुखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाहर से आप हाथ से धो लिए हैं, रिंस एंड स्पिन कर सकते हैं। ओनली स्पिन करना चाहते हैं, ओनली सुखाना चाहते हैं, बाहर से धो लिए फंगार लिए, इसको आप इसमें डाल के सुखा सकते हैं। ठीक है, पूरा प्योर सूख जाएगा। हाँ, 75% सूख जाता है। ड्रम क्लीन हो गया आपका, ये इको ड्रम क्लीन है। आपको हर 25 वाश के बाद 25 बार अगर कपड़ा धोनी है, एक बार आपको ड्रम क्लीन करना है। आप 25 बार नहीं कर सकते तो हर मंथ एक बार आप करेंगे। ठीक है, ये खाली चलेगा, ऑटो पानी लेगा, क्लीन होगा। हाँ, 2 घंटा 23 मिनट चलेगा ये। ठीक है, क्लीन होते हुए कचरा कम जाएगा।